नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। आज खबरों में बात भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। गुजरे जमाने के एक बंद अखबार नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तक घसीट लाने वाले भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपने सार्वजनिक जीवन में कई वजहों से चर्चा में रहते हैं। वे कई मामलों में एक असाधारण व्यक्ति है जिनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना आसान नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 15 सितंबर 1939 को चेन्नई में हुआ था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम मदुरई तमिलनाडु से थे और भारत सरकार के सचिव थे और उनकी माता केरला से थी। डॉक्टर स्वामी एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ के तौर पर मशहूर रहे हैं और वे कानून के एक बेहतर जानकार है। डॉक्टर स्वामी ने हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में अपनी स्नातक ऑनर्स डिग्री अर्जित की। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान में सांख्यिकी में अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अध्ययन किया और इसके बाद वे पूर्ण रॉकफेलर छात्रवृत्ति पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए चले गए। आपको बता दें कि स्वामी ने महज 24 साल में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी और मात्र 27 साल की उम्र में वे हार्वर्ड में गणित पढ़ाने लगे थे। अब आइए बात करते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। डॉक्टर स्वामी का राजनीतिक जीवन अराजनीतिक आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। यह आंदोलन एक गैर राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने आगे चलकर जनता पार्टी की नींव रखी। डॉक्टर स्वामी द्वारा रखे गए उदारवादी आर्थिक नीतियों की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत बड़ी विरोधी थी और बाद में इंदिरा गांधी के कारण डॉक्टर स्वामी द्वारा रखे गए उदारवादी आर्थिक नीतियों की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत बड़ी विरोधी थी और बाद में इंदिरा गांधी के कारण डॉक्टर स्वामी को आईआईटी से बर्खास्त कर दिया गया और इस घटना के बाद से डॉक्टर स्वामी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद डॉक्टर स्वामी इंदिरा गांधी के विरोधी पार्टी जनसंघ के तरफ से राज्यसभा के सांसद बने। उस समय से लेकर अभी तक भारत की राजनीति में वे एक अपना अलग पहचान रखते हैं। आपको बता दें 1974 और 1999 के बीच डॉक्टर स्वामी 5 बार सांसद सदस्य के रूप में चुने गए हैं। कहा जाता है कि देश में आपातकाल के पहले डॉक्टर स्वामी के नौकरशाहों के बीच काफी संपर्क थे, इसीलिए उन्हें पहले ही आपातकाल के विषय में पता चल गया था। 24 जून 1975 को एक रात्रि भोज के दौरान डॉक्टर स्वामी ने जयप्रकाश नारायण से कहा था कि कुछ बड़ा आने वाला है, लेकिन उस समय जेपी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा कि इंदिरा गांधी ऐसी मूर्खता नहीं करेगी। कहा जाता है कि दूसरे दिन ही सुबह 4:30 बजे उन्हें एक गुमनाम कॉल आया जिसमें उन्हें पुलिस ने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि वो डॉक्टर स्वामी को पकड़ने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर स्वामी 6 महीनों के लिए भूमिगत हो गए। वहीं डॉक्टर स्वामी ने आपातकाल के समय सोचा कि लोगों में आपातकाल के खिलाफ हिम्मत जगाने के लिए वे एक दिन के लिए संसद में जाएंगे और 2 मिनट का भाषण देकर पुनः भूमिगत हो जाएंगे। दरअसल इस कार्य को करके वो यह सिद्ध करना चाहते थे कि पूरा देश इंदिरा गांधी के नियंत्रण में नहीं है। इसके बाद उस समय डॉक्टर स्वामी के नाम से वारंट जारी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद 10 अगस्त 1976 के दिन संसद में वे गए और यहाँ देश विदेश के पत्रकारों के सामने यह कहकर निकल गए कि भारत में प्रजातंत्र मर चुका है। उसके बाद डॉक्टर स्वामी नेपाल के मार्ग से वापस अमेरिका चले गए और इस घटना से लोगों को एक नया बल मिला और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आपातकाल के समय एक नायक बनकर उभरे। आज की नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के निर्णायक कदमों को ही आगे बढ़ाते हुए लुटियंस दिल्ली की सत्ता का हिस्सा बनी है। यह तो सभी जानते हैं कि वे खुद को कांग्रेस की वंशवादी राजनीति को खत्म करने वाला और प्रणालीगत सत्यनिष्ठा और न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा कहलाना पसंद करते हैं। इसलिए सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि स्वामी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहाँ फिट बैठते हैं। अभी तक डॉक्टर स्वामी का भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता उतार चढ़ाव वाला रहा है। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वामी को तनिक भी पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अपनी नापसंदगी को कभी नहीं छुपाया। इसके अलावा अगर बात करें कि उनकी अदालती सक्रियता किस प्रकार रही है तो 2G घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, निर्भया दिल्ली गैंगरेप केस, हेलीकॉप्टर घोटाला, अयोध्या राम मंदिर,
सोनिया गांधी के नकली जन्म स्थान तिथि का मुद्दा, संत आसाराम बापू केस, ताजमहल, शिव मंदिर है कि जांच और राम सेतु को टूटने से बचाना आदि कई मुद्दे शामिल है। कुछ ही दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी ने स्वामी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बयान को लेकर स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। दरअसल स्वामी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है। आपको बता दें वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वे वर्तमान में भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं और कई मुद्दों पर अपने विचार और अपनी राय रखते हैं। तो ये थी कुछ विशेष जानकारियां। ऐसे ही खबरों से और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट। We'll be right back.